वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के पहला जो ऑनलाइन क्लास का जो पहला वीडियो है, इसके बारे में हम सिलेबस और जो आपके विषय की प्रगति, इसके बारे में प्रमुख बातें सबसे पहले पहली क्लास में जान लेंगे कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है क्या अपन को इसमें पढ़ना है, क्या इसमें कैरियर है आगे, ये सारी चीजें की हम सर्वप्रथम बात करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन इसका शुरू करेंगे कि आपके क्या है इसमें। 11th क्लास में जो आपने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट चुना है, तो मैं सभी आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि आप मेरी प्रजाति में शामिल हो गए। मैं भी राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और अब शिक्षक हूँ। तो राजनीति विज्ञान के बारे में जो आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, लास्ट बार एक बुक चलती थी राजस्थान बोर्ड की, उसको इस सरकार ने बदल के वापस एनसीईआरटी की बुक चलाई है। तो एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं आपके इसमें, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत क्या क्या थ्योरीज है, क्योंकि राजनीति विज्ञान है तो उसकी बहुत सारी थ्योरी है। विज्ञान ये होती है ना, अपने सिद्धांत होते हैं, उसके उस हिसाब से राजनीति विज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत है, तो पूरी पुस्तक में हम इस सिद्धांत पढ़ेंगे। और एक पुस्तक जो है भारत का संविधान, भारत का जो संविधान बना वो सिद्धांत में क्या है और उस सिद्धांत को फिर व्यवहार में अप्लाई किस तरीके से किया जा रहा है, तो सिद्धांत और व्यवहार के संदर्भ में हम राजनीति विज्ञान को देखेंगे। अभी आपने नया सब्जेक्ट लिया है राजनीति विज्ञान और सब 10th पास करके आए हो, अब आपके सामने पहली चुनौती यह है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाएं, जैसे साइंस, आर्ट्स, मैथ या कोई अदर स्ट्रीम चुने। तो होगा ना आपके मन में कि मैं आर्ट्स लू या साइंस लू या मैथ ले लू या कुछ और दूसरा कोई अलग बता रहा है, उसमें भी फिर आर्ट्स में भी आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया होगा कि पॉलिटिकल लू, हिंदी साहित्य लू, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हजारों सब्जेक्ट हैं। तो आपके सामने ये निर्णय में ये बाधा उत्पन्न हुई होगी कि मैं कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करूं, और हर व्यक्ति के सामने अपने कैरियर को लेकर शंका रहती है कि मैं किस मत सा बेहतर कर पाऊंगा, पता नहीं आगे क्या होगा, कितनी अनिश्चितता है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट आपको यही समझाऊंगा कि आपने जो विषय चुना है कोई विषय बुरा नहीं होता, कोई विषय इतना अच्छा नहीं होता कि आपको बहुत आगे तक ले जाए, डिपेंड करता है आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा इसको। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम है जयपाल सार्त्र। आपको रटना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया जयपाल सार्त्र ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको इन्होंने लेने से मना कर दिया। क्यों किया? वो इनका दर्शन है,
इन्होंने एक सिद्धांत दिया अस्तित्ववाद। क्या है अस्तित्ववाद, हमको इस सिद्धांत के नाम में इन्होंने क्या दिया उसमें नहीं जाना, हमको समझना है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कहा है इसमें और क्यों उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से मना किया। तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी कि इनके विचार कैसे थे और जिंदगी में क्या सोचते थे ये व्यक्ति। तो इन्होंने कहा कि हमको जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, दिन में भी हम कई बार निर्णय लेते हैं किसी भी चीज को लेके। जैसे हम सुबह से शुरुआत करते हैं कि जब सुबह हमारी पहली बार नींद खुलती है तो हमारे सामने निर्णय लेना होता है कि आप उठ जाए या सो जाए। तो निर्णय कब लेंगे हम, जब हमारे पास में बहुत सारे विकल्प होंगे। अनेक विकल्प हैं हमारे पास और उनमें हमको निर्णय लेना है, एक विकल्प को चुनना है। और जब हम एक विकल्प को चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो अन्य विकल्पों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे टेंथ के बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें, मैथ लें या कोई और सब्जेक्ट लें। अब हमको क्या करना है, निर्णय करना है, निर्णय करना है। एक को चुनना है, तो एक को चुनेंगे तो दूसरे को छोड़ेंगे, तभी निर्णय होगा। जब पाल सात्र क्या कहते हैं कि हम जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम चुने हुए विकल्प के साथ जीना शुरू करते हैं और दूसरे विकल्प को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जिसको हमने चुना है, क्यों चुना है, क्योंकि हमको उसमें कुछ अच्छाइयां नजर आ रही थी अभी फिलहाल, कि ये बहुत अच्छा है। जैसे किसी ने बायो ली, तो बायो लेते ही इलेवन में पहली बार क्या फील करेगा वो, कि मैं तो हर डॉक्टर बनूंगा, खुद के सपने भी देखेगा कि सफेद कोट पहने हुए बढ़िया एसी रूम में बैठा हुआ इलाज कर रहा होगा, ऐसे सपने नहीं देखते। तो जब वो विकल्प चुनेगा तो उसकी अच्छाइयां नजर आती है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब वो विकल्प चुन के उसके साथ जीना शुरू कर देता है, तब इस विकल्प में उसको बुराइयां नजर आ जाती है। और जिस विकल्प को छोड़ा है उसमें उसको अच्छाइयां नजर आएंगी। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, हर विकल्प में कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसा, काश मैं ऐसा करता कि आर्ट्स में लेके साइंस लेता। अगर साइंस लेता तो भी थोड़े दिन बाद में उसके मन में आएगा कि काश मैं साइंस की जगह आर्ट्स ले लेता। तो जयपाल शास्त्री यहाँ पर अपना सिद्धांत देता हूं, क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो निर्णय में एक विकल्प को चुनता है, दूसरे विकल्प को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद उसको चुना हुआ विकल्प बोरियत करेगा, बुरा लगना लगेगा, और जिस विकल्प को उसने छोड़ा है उसकी उसको अच्छा ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अब जा नहीं सकता वो। अब आप 3-4 साल आर्ट्स कर लोगे, उसके बाद आप साइंस थोड़ी दे सकते हो आदमी, या जो साइंस ले सकता है वो फिर आर्ट्स पढ़ भी लेता है, ऐसा नहीं है। तो अब वो क्या करेगा कि इन विकल्पों के साथ मानसिक रूप से हमेशा बना रहेगा कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, मैंने ये गलत किया। तो चुने हुए विकल्प के साथ में उसको जीने की मजबूरी हो जाएगी और हमेशा उसको घुटन लगेगी, काश मैं ऐसा नहीं करता। और जिसको छोड़ा है वो उसके साथ हमेशा बना रहेगा। तो क्या कहते हैं जयपाल सात्र कि हम कोई भी निर्णय लें, सभी निर्णय आखिरकार गलत साबित होंगे। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये निर्णय परफेक्ट। तो फिर लोगों ने पूछा कि बताओ कि क्या किया जाए, अब आप सभी निर्णय गलत है तो आदमी करे क्या। तो इन्होंने लास्ट में कहा कि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, क्या पूछ गया है भगवान से कि आपका जन्म बांदीकुंड में हुआ, आपके माता पिता आपने चुने नहीं, कि जब व्यक्ति का जन्म और मृत्यु ये दो चीजें ही डिसाइड नहीं है अपने हाथ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जन्म और मृत्यु, ये दो चीजें जब हम तय नहीं कर सकते तो दूसरी चीजों को तय कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनका कहना यही है कि आपने जो भी निर्णय लिया है वो कभी परफेक्ट नहीं होगा। तो जिस निर्णय को हमने लिया है तसल्ली के साथ में उसके साथ जीना शुरू करें। हाँ, हमको कुछ बुराइयां नजर आएंगी, कई बार हमको फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। और कोई कुछ भी बोले, आपने जो चुना है वो बेस्ट है। आपसे कहो मैं कुछ भी चुनता तो मेरे साथ यही होता है, इससे अच्छा मैंने जो चुना है
उसमें मैं संतुष्ट हूं। अब इनके पास खुद के सामने विकल्प आया कि नोबेल पुरस्कार लें या छोड़े, क्योंकि सिलेक्ट तो करना नहीं, निर्णय लेना है। तो उन्होंने कहा मैं लूंगा तब भी हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगे, और मैं छोड़ूंगा तब भी मुझे अच्छा नहीं लगे, सबसे बड़ा पुरस्कार छोड़ रहा हूं। तो इन्होंने अपना निर्णय लिया कि नोबेल पुरस्कार नहीं लूंगा। तो एकमात्र आदमी थे जिन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार छोड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन की जो दुविधा है सब्जेक्ट चयन को लेके, उसको अपने माइंड से निकाल ले। हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, अपन उसमें कितनी मेहनत कर पाते हैं उस चीज को लेके, आपको विषय की समझ कितनी है। हर सब्जेक्ट अपना टोटलिटी रखता है, पूर्ण ज्ञान होता है, सभी सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। तो आप आज से इस बात को निकाल ले, कोई आपसे कुछ भी बोले कि ठीक है मैंने राजनीति विज्ञान लिया है, ज्योग्राफी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया, जो भी सब्जेक्ट लिया है इसको मैं अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ूंगा। अब हम देखते हैं आपकी जो सिलेबस है इस पर हम चर्चा करते हैं। एक पुस्तक है जो ऑनलाइन वीडियो सीरीज है, हो सकता है आपको कितना दिन लेना पड़े मुझे नहीं पता, 1 सितंबर तक लेना पड़े या उससे आगे भी, अगर सरकार लॉकडाउन बढ़ा देती है तो आगे भी लेना पड़ेगा। तो एक किताब है अपने संविधान की और दूसरी है सिद्धांत की। पुस्तक आप ले लेना। सबसे पहले हम भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पर हम चर्चा करेंगे, 2-3 चैप्टर इसके देखेंगे, उसके बाद में हम उस किताब की ओर लौटेंगे। तो जो आपका पहला अध्याय है इसका, उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, और इसका जो पहला बिंदु है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों। किताब को, विषय को हम आत्मचिंतन के साथ पढ़ेंगे कि जो पुस्तक में लिखा हुआ है उससे अच्छा है हम खुद उसके बारे में सोचें, और जिस पल हमने सोचना शुरू कर दिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आर्ट्स का मतलब है कला, और हर विषय का एक नेचर होता है। अगर आप उसमें समझ हासिल करना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस विषय के बारे में सोचना चाहिए। जब आप सोचना शुरू करोगे तो आपके आंसर भी उतने बेहतर होंगे। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पहला टॉपिक होगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों। अब हम खुद ही इस चीज को चर्चा में आगे बढ़ाते हैं कि क्यों होती है किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता। संविधान देश का होता है, एक स्कूल का होगा, एक नगर का होगा, एक गांव का होगा, एक संगठन का होगा, एक व्यक्ति का होगा, किसी भी व्यक्ति का संविधान हो सकता है। संविधान का मतलब होता है नियम की एक संहिता, कि कोई देश कैसे चलेगा, उसके नियम क्या होंगे, इन सब चीजों की हम आज चर्चा करेंगे। तो संविधान मैं आपको इसको थोड़ा ऐतिहासिक, तो आपकी पुस्तक में है नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जो पहला संविधान आया दुनिया के सामने वो आया इंग्लैंड में। ब्रिटिश जो देश है 1215 में मैग्ना कार्टा, और उसके बाद कुछ चीजें और बनी। तो संविधान जो पहला है लिखित संविधान है वो इंग्लैंड में है। आज वहां लिखा नहीं गया लेकिन फिर भी वहां का देश देखो कितना विकसित है। बिना संविधान यानी बिना लिखे भी संविधान के नियमों को लोग वहां पर फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जो पहला लिखित संविधान बना संयुक्त राष्ट्र संघ का 1787 से 1789 में ये संविधान बना फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, यानी पहली बार संविधान को लिखा वहां पर। उसके बाद में पहला लिखित संविधान जब बना संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो बहुत सारे देशों ने अपना अपना संविधान बनाया। उससे पहले भी संविधान होते थे राजाओं के, लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों ने और दूसरे अन्य राज्यों ने अपने अपने संविधान बनाना शुरू किया। तो हम पहला जो डिस्कशन करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है।
पहले ही चर्चा की कि संविधान एक नियमों का संहिता होता है, पुस्तक होती है जिसमें बहुत सारे नियम लिख दिए जाते हैं, संहिता का इसको एक रूप दिया जाता है कि संहिता है पुस्तकों की। तो संविधान में बुनियादी नियम होते हैं, बुनियादी यानी बेसिक रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कैसे होते हैं कि एक ही देश है, जैसे अपन भारत देश मान लेते हैं, इसमें बहुत सारे धर्म, भाषा, वर्ग, यानी विभिन्न प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अलग अलग भाषा, अलग अलग मजदूर, किसान, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, बहुत सारे अलग अलग वर्ग होते हैं। तो संविधान का पहला कार्य होता है कि वो ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराए जो सभी वर्गों को मान्य हो, यानी प्रत्येक वर्ग संविधान के नियमों की इज्जत करे, संविधान का पालन करे। ये नियम भी ऐसे हो जो किसी वर्ग विशेष को लाभ नहीं दे, यानी सभी वर्ग के साथ समानता का व्यवहार करे, सभी वर्गों को विकास के अवसर दे, सभी को नौकरी मिले, किसी वर्ग विशेष के साथ में कोई विशेष भेदभाव नहीं हो। तो संविधान का पहला कार्य यह है कि विभिन्न वर्गों के बीच तालमेल, सामंजस्य बिठाता है, यानी किसी एक वर्ग को फायदा न देके सभी वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, ताकि सभी, पूरा देश है, इन नियमों की रेस्पेक्ट करे और सामंजस्य के साथ में रहे। तो संविधान का पहला जो कार्य यह है कि विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बढ़ाता है, तालमेल बिठाता है, किसी वर्ग में कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है। तो संविधान नियम है, और नियम कैसे, जो सभी लोगों को मान्य हो, सभी लोगों को विकास के लिए अवसर पैदा हो। संविधान की आवश्यकता दूसरा इसलिए होता है क्योंकि हमारा देश है 130 करोड़ लोग हैं। अब सभी लोग ये कहेंगे भाई डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन करेगा, तो ये भी संविधान तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन निर्णय करेगा किसी भी चीज के लिए। जैसे आज ही हमको कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, बहुत सारे कानून बनाए, नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, किसने बनाई नई शिक्षा नीति, भारतीय संसद में, क्यों, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। कैसे, ये चीज भी संविधान डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति लोकतांत्रिक राज्य में जनता के पास में दी गई है। भारत भी कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वी द पीपल, यानी पूरी पावर किसके पास में है, जनता के पास। और अक्सर हम कहते हैं कि आज शासन किसका चल रहा है, जनता का। अब भारत की जनसंख्या है 130 करोड़, क्या 130 करोड़ व्यक्ति एक साथ बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक शहर है, छोटा सा शहर है, उसकी 1 लाख जनसंख्या है, अगर उस शहर के लिए डिसीजन लेना हो कि कहीं पार्क बनवाना है या कुछ और करना है, क्या सब लोग बैठ के किसी मुद्दे पर एकमत हो सकते हैं, आपका आंसर आएगा नहीं। तो 130 करोड़ लोग बैठ के कैसे शासन करेंगे, एक साथ कैसे निर्णय लेंगे, तो फिर समस्या आ गई यहाँ पर कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबको बुलाओ फिर बैठेंगे कहाँ, बैठने की समस्या आ गई और सारे लोग लड़ने झगड़ने लग जाएंगे और एक मत तो कभी भी नहीं होंगे। तो फिर यह आया कि बड़े देशों के लिए जनता का शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन नहीं कर सकती। तो राजनीति विज्ञान ने एक कदम आगे बढ़ाया कि प्रत्यक्ष रूप से समस्या आती है तो इसका दूसरा तरीका निकाला कि जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती तो जनता अपने प्रतिनिधि तो चुन सकती है,
यानी अपना कैंडिडेट तो चुन सकती है जनता, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक शासन। अब भारत को हमने देख लिया, जैसे हम संसद के बारे में बात करते हैं, पूरे भारत को 543 टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया और एक एक क्षेत्र से एक एक हमने क्या चुन लिया, प्रतिनिधि। जैसे हम संसद की बात करते हैं तो हमने 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी, तो हमने दौसा से अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया। यहां पर अपना वोट डलवा दिया, प्रतिनिधि किसने चुना, जनता ने, क्योंकि जनता ने उसको विजयी बनाया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने आम प्रतिनिधि जो श्रीमती जसकौर मीणा जी को हमने विजयी बनाया। अब यहाँ दौसा की जितनी जनसंख्या है, दौसा की जनता क्या चाहती है, ये संसद पर कौन जाके बोलेंगे, हमारा प्रतिनिधि बोलेगा। अब वो मान होगा कि दौसा का प्रतिनिधि श्रीमती जसकौर मीणा है, ऐसे जयपुर से, राजस्थान से 25 है, पूरे देश से 543 है, तो प्रतिनिधि वहां जाएंगे। और प्रतिनिधि किसका रिफ्लेक्ट है, जनता का, क्योंकि जनता ने शक्ति किसको दी है, प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि जाके कानून बना रहा है, तो निर्णय लेने की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के पास है और ये जनता प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनाती है। तो ये चीज भी कौन तय करता है, हमारा संविधान तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, क्योंकि डिसीजन जब लागू होता है तो पूरे देश को मान्य होता है। हम कोई भी निर्णय होता है, भारत की संसद जब कानून बनाती है तो पूरा देश उसका रेस्पेक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो कानून अप्रत्यक्ष रूप से कौन बना रही है, जनता बना रही है। जनता ने भी विधायक एमपी चुने, एमपी जाके कानून बना रहे हैं, तो जनता को ये लगता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं हम पे। ये नहीं कि जैसे बहुत जगह एक पार्टी का शासन हो किसी में या एक व्यक्ति का शासन हो, तो वो व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जनता उनको चुनती है और वो जनता ही आखिरकार निर्णय लेने की शक्ति अपने प्रतिनिधियों को सौंपती है। तो संविधान का दूसरा कार्य होता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह डिसीजन भी हमारे संविधान इसके माध्यम से करता है।